अगली खबर इंदौर से आ रही है, जहां भंवर कुआं पुलिस ने मोबाइल लूट कर देश के बाहर बेचने वाले व्यापारियों को पकड़ा है। इस मामले में पकड़ाए व्यापारी रोज नए खुलासे कर रहे हैं। इन व्यापारियों ने अब मोबाइल चोरी में शामिल पारदी गैंग का नाम भी लिया है। इस केस के बाद अधिकारियों ने आरोपियों को पकड़ने के लिए अलग अलग टीमें बनाई हैं। प्रदीप और सन्नी के पकड़ाने के बाद जेल रोड के कई व्यापारी भूमिगत हो गए हैं। एडिशनल डीसीपी प्रशांत चौबे और एसीपी दिशेश अग्रवाल ने आरोपी सन्नी कुदवानी और प्रदीप माधवानी से पूछताछ की। प्रदीप ने बताया कि फितमपुर बेटमा और भोपाल के पारदियों से वह लूट चोरी और ट्रक कटिंग का माल खरीदते थे, जिसे नरेंद्र उर्फ नथुआ राहुल के माध्यम से विदेशों में भेजा जाता था। आरोपियों ने छोटी कंपनी के मोबाइल के 2000 और बड़ी कंपनी के मोबाइल के 5 से 10 हजार रूपए रेट फिक्स कर रखे थे। घटना के मोबाइल में 3 से 4 लोगों को रुपया बटता था। हर माह करीब 50 से अधिक मोबाइल आरोपियों द्वारा इधर उधर कर दिए जाते थे। वहीं प्रदीप ने जय जगत नगर के 2 पारदियों के नाम भी बताए हैं। अब पुलिस इनकी तलाश कर रही है। प्रदीप और सन्नी को उज्जैन के रास्ते बिच्छू उर्फ रवि मोबाइल उपलब्ध कराता था। यहां से वह किसी मुस्लिम युवक से मोबाइल खरीदता था। प्रदीप ने बिच्छू का नाम भी लिया है। पुलिस अधिकारियों के पास मनीष, नरेंद्र, भरत और राहुल के फोटो भी पहुंचते हैं। दिल्ली में नरेंद्र के बारे में पुलिस ने जानकारी निकाली जुटाई है। बताया जाता है कि सन्नी और प्रदीप के पकड़ाने के बाद से ही वह भूमिगत हो गया है। उसके खिलाफ एमजी रोड, तेजाजी नगर और जूनी इंदौर में पहले से अलग अलग मामले में शिकायतें पहुंची हैं। भंवर कुआं पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ की तो जेल रोड के 6 दुकानदारों के नाम भी मिले हैं, जिनसे सन्नी माल लेकर प्रदीप को देता था। यह भी चोरी और अन्य वारदातों का माल लेता था। आरोपियों ने बताया कि वह कभी लोकल स्तर पर माल नहीं बेचते थे। उनके मुताबिक यहां माल बेचने में पकड़ाने का रिस्क ज्यादा रहता था। अधिकारियों के मुताबिक आरोपियों ने कितने मोबाइल खरीदी बिक्री की है, इसकी उन्हें ही जानकारी नहीं है। फिलहाल अभी उनके द्वारा बताए गए पारदियों की तलाश की जा रही है। उनकी गिरफ्तारी के बाद और मामलों का खुलासा हो सकता है।